हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास टेंथ की जो किताब है उसमें राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जो चीज़ें दी गई है दोस्तों वो हम देखेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूँ दोस्तों, अगर आपको इसकी थ्योरी देखनी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्लास टेंथ की जो बुक है उसकी थ्योरी मैं आपको करवा चुका हूँ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की। अब यहाँ पर हम वन लाइनर फॉर्मेट में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं दोस्तों। इस चैनल पर आपको जो भी वीडियोस मिल रहे हैं रेगुलर वो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। सेट का एग्ज़ाम, रीट, सेकेंड ग्रेड, पटवार एग्ज़ाम, RS एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में पहला आप देखिए, मेवाड़ की स्वामी भक्ति पन्नाधाई का जन्म पांडोली गांव के हांकला गुज्जर के घर में किस जिले में हुआ। तो दोस्तों पन्नाधाई का जो जन्म हुआ था वो चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसके यहाँ पर हुआ था दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, तो हांकला गुज्जर के यहाँ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी गुज्जर से ये संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान की मिसाल पन्नाधाई जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, उनके पति का नाम क्या था। तो दोस्तों पन्नाधाई के पति का नाम पूछा गया है, तो पन्नाधाई के पति का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरजमल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सूरजमल हो जाएगा। इन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था दोस्तों उदय सिंह को बचाने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है, इनके नाम से बावड़ी किस जिले में बनी हुई है। तो दोस्तों गोराधाई जो है इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है, ठीक है। जिस तरीके से मेवाड़ में पन्नाधाई है उसी तरीके से मारवाड़ में गोराधाई है, ठीक है। तो गोराधाई जो है इनके नाम से एक बावड़ी बनी हुई है, वो किस जिले में है, तो ये आपकी जोधपुर में हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पर है, जोधपुर में। आगे देखिए, जोधपुर में गोराधाई की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण 1711 में करवाया गया। तो दोस्तों 1711 में गोराधाई की स्मृति में 6 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 खंभों की छतरी बनी हुई है गोराधाई की, कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। आगे देखिए, गोराधाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1646 को माली परिवार में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। माली परिवार में रत्नोजी टाक वो माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भलावत के साथ हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो विवाह हुआ था वो मनोहर गोपी के साथ हुआ था। औरंगजेब के चंगुल से दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अजीत सिंह को छुड़वाकर मुकुंददास खींची को सौंपा था, ठीक है। यानी कि अजीत सिंह को छुड़वाकर किसको सौंपा था दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये मुकुंददास खींची को सौंपा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुकुंददास खींची आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, डूंगरपुर के किस शासक ने वागड़ की मीरा गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों गौरीबाई जो है इनके लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये महारावल शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो दोस्तों सिरोही के PA जो थे पॉलिटिकल एजेंट, ये आपके कौन थे, JD होल थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों मेवाड़ के पूछे जाए तो मेजर सावर्स हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे जयपुर के पूछे जाए दोस्तों तो कर्नल इडन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिरोही के आपके JD होल हो ही गए। अगर आपसे जोधपुर के पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, जोधपुर का PA कौन था, मेक मोशन था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे भरतपुर का पूछा जाए तो मोरिसन हो जाएगा, ठीक है। और कोटा का पूछा जाए तो बटन हो जाएगा, ठीक है। कोटा का PA कौन था, बटन था, 1857 की क्रांति के समय। आगे देखिए, मैं देखता चला गया किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं देखता चला गया किसकी रचना है, ये कपूरचंद कुलिस की रचना है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में। आगे देखिए, गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा था। तो दोस्तों जगजीत सिंह जो है इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध गंगानगर जिले से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गंगानगर जिले से है। और ये गजल गायक है, ये आपको ध्यान रखना है, गजल गायक है, ठीक है। इनको राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्था की स्थापना की थी। तो दोस्तों बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो ये कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1960 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बोरुंदा कहाँ पर है आपका, जोधपुर में है।
ठीक है, कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बोरुंदा में। आगे देखिए, निहाल चंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार था? तो निहाल चंद जो था ये आपका सामन सिंह का दरबारी चित्रकार था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था, तो दोस्तों दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? सालवा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के शेक्सपियर के नाम से विख्यात और बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा के बारे में, ठीक है, इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर और बिज्जी नाम इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिज्जी नाम से इनको जाना जाता है, विजयदान देथा को। 1974 में केंद्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया विजयदान देथा को, ये आपको ध्यान रखना है। 2002 में बिहारी पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2007 में इनको पद्मश्री दिया गया दोस्तों, ठीक है, और 2012 में राजस्थान रत्न से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 2007 में इनको पद्मश्री मिला है, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे देखिए, 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठे का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठे का जन्म जो हुआ था वो सुजानगढ़ चूरू में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, दुर्साहाड़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दुर्साहाड़ा जो थे ये आपके अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार में थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुर्साहाड़ा अकबर के दरबार में थे, बट इन्होंने महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन की काफ़ी तारीफ की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों कविराज श्यामल दास जो है ये आपके मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्यामल दास जी के द्वारा दोस्तों वीर विनोद लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या लिखी गई है? वीर विनोद, ठीक है। किसके कहने पर लिखी गई थी दोस्तों? तो शंभू सिंह के कहने पर लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों श्यामल दास का जन्म 1836 में कहाँ पर हुआ था? धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ था? धोकलिया भीलवाड़ा में, ठीक है। आगे देखिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें हम जीएच ओझा के नाम से जानते हैं दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रोएटा गांव सिरोही में हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है। श्यामल दास वाला जो है दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है, धोकलिया भीलवाड़ा, और जीएच ओझा का हो जाएगा रोएटा गांव सिरोही। और दोस्तों गोकुल भाई भट्ट का भी आपको ध्यान रखना है, गोकुल भाई भट्ट का संबंध किससे है दोस्तों? सिरोही से, आपको ध्यान रखना है, सिरोही के हातल गांव में इनका जन्म हुआ था, सिरोही के हातल गांव से इनका संबंध है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार जिन्हें अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय वो राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों के द्वारा इन्हें महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बापू के तीन हत्यारे नामक कृति की रचना की थी? तो बापू के तीन हत्यारे नामक कृति की रचना किसने की दोस्तों? विजयदान देथा के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। विजयदान देथा के द्वारा दोस्तों काफ़ी सारी कृतियों की रचना की गई है, जिसमें एक और आपकी प्रमुख है दोस्तों, बातारी फुलवारी, ये आपको ध्यान रखना है। बातारी फुलवारी जो है दोस्तों ये आपकी 14 खंडों में विभक्त है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए, प्रख्यात मान गायक अल्लाह जिला भाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो दोस्तों अल्लाह जिला भाई को पद्मश्री अवार्ड 1982 में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 1982 में दिया गया, ठीक है। ये मांड गायक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम था? तो दोस्तों स्वामी केशवानंद जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म दोस्तों मंगलूना शिखर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ? मंगलूना शिखर में हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूना शिखर में हुआ, इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बिरमा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पंडित झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी? पंडित झाबरमल शर्मा जो है दोस्तों इनका संबंध झुंझुनू से है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको शिक्षा दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान? तो दोस्तों ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तो ये आचार्य तुलसी के द्वारा कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आचार्य तुलसी के द्वारा दोस्तों 1949 में अनुवर्त आंदोलन चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अनुवर्त आंदोलन इन्होंने कब चलाया था? 1949 में चलाया था, ठीक है। आगे देखिए, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? तो कृपाल सिंह शेखावत जो है दोस्तों इनका संबंध ब्लू पोएट्री से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लू पोएट्री के लिए इन्हें दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है।
और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कुदरत सिंह का संबंध किससे है, तो कुदरत सिंह का संबंध दोस्तों मीनाकारी से है। यह आपको ध्यान रखना है, मीनाकारी भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, डॉक्टर पीके सेट्टी, प्रमोद कुमार सेट्टी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पेड़ विकसित किया था? तो दोस्तों इन्होंने रामचंद्र के सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पेड़ विकसित किया था, जिसे जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसने? पीके सेट्टी ने। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1 जुलाई 1946 को झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए रायसिंह नगर में शहीद हुए थे। तो दोस्तों झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए 1 जुलाई 1946 को कौन शहीद हुए थे? तो आपके बीरबल सिंह शहीद हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए बीकानेर में दोस्तों बीरबल दिवस मनाया जाता है आपका 1 जुलाई 1946 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो मेवाड़ महाराणा के द्वारा श्यामल दास को दोस्तों कविराज की उपाधि दी गई थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रिटिश भारत सरकार ने किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों कविराज श्यामल दास जो है इनको केसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कविराज की उपाधि किसने दी, तो ये तो आपकी मेवाड़ महाराणा ने दी। अगर आपसे पूछा जाए केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी, तो ये आपके अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर पी के सेट्टी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए पुरस्कार मिला। तो दोस्तों प्रमोद कुमार सेट्टी जो है इनको रेमन मैक्सेस अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसके निर्माता है? जयपुर फुट के निर्माता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अभी पूछा गया था छात्रावास ग्रेड सेकंड में। यह आपको ध्यान रखना है, छात्रावास ग्रेड सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेमन मैक्सेस अवार्ड वाला। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध दोस्तों जयपुर से है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बीकानेर का राठौड़ ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के किस गांव में हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म जो है ये आपका कुड़िया गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर हुआ इनका जन्म? कुड़िया गांव में हुआ था। दयालदास जो है दोस्तों ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये रतन सिंह के दरबारी कवि थे। ये आपको ध्यान रखना है, किसके दरबारी कवि थे? रतन सिंह के। ठीक है, आगे देखिए, पंडित जाबरमल शर्मा की रचना है, तो पंडित जाबरमल शर्मा की रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों? शिखर हो जाएगी, खेतड़ी का इतिहास हो जाएगी, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, ये किसकी रचना है? ये पंडित जाबरमल शर्मा की रचना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि में हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहाँ लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों कर्नल टोड का है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। यह कथन भी दोस्तों कर्नल टोड के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, है मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों, उनका नाम हम देख लेते हैं। माणिक्य लाल वर्मा जो थे ये उदयपुर से संबंधित थे। ठीक है, जिन्होंने संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। जय नारायण व्यास आपके जोधपुर से हो जाएंगे। बलवंत सिंह मेहता जो थे ये भी आपके उदयपुर से थे। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व मुकुट बिहारी भार्गव ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध पंछिड़ा गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों प्रसिद्ध पंछिड़ा गीत जो है ये आपका माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पीड़ितों का पंछिड़ा किसने लिखा, तो पीड़ितों का पंछिड़ा जो है दोस्तों ये आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें भूप सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों बनारसी दास झुंझुनूवाला जो थे इन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मांडगाय का गौरी देवी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मांडगाय का गौरी देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मांडगाय का जो गौरी देवी है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कोमल कोठारी का जन्म हुआ था। कोमल कोठारी का जन्म दोस्तों चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कपासन चित्तौड़ में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अणुवर्त आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों नागौर में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाडनू गाँव नागौर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
पोलम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों पोलम पोल जो है ये भी आपकी कपूरचंद कुलिस के द्वारा लिखी गई है, और मैं देखता चला गया ये भी आपकी कपूरचंद कुलिस के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, दोनों ध्यान रखनी है, पोलम पोल और मैं देखता चला गया। आगे देखिए, मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में किस गांव में हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म जो है ये करजाली गांव में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गिटार में सितार सरोद वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों मोहन वीणा का आविष्कार जो है ये आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था, जिनका संबंध जयपुर से है, ठीक है। आगे देखिए, अल्लाह जिलाबाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, दोस्तों वो देख लेते हैं। अल्लाह जिलाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1 फरवरी 1902 में इनका जन्म बीकानेर में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1982 में दोस्तों 1982 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किस रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में पुरस्कृत किया गया लिलटास के लिए, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लिलटास के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न और 2004 में पद्मश्री मिला। तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया को पद्मश्री कब मिला? 2004 में मिला, और 2012 में राजस्थान रत्न, और 1986 में रचना शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। तो दोस्तों शब्द जो है इनके द्वारा लिखी गई है, उसके लिए इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था 1996 में। रचना सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों, सत्यवादी जो है इसके लिए इन्हें टाटिया पुरस्कार दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1988 में उन्होंने निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों निर्ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निर्ग्रंथ हो गया, सत्यवादी आपका हो गया, और शब्द हो गया, ठीक है, और एक आपका लिलटास हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20 मार्च 1926 को कपूरचंद कुलिस का जन्म किस जिले में हुआ? तो कपूरचंद कुलिस का जन्म दोस्तों सोडा गांव टोंक में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा संत रामचरण जी जो थे दोस्तों, उनका जन्म कहां पर हुआ था? उनका जन्म भी सोडा गांव टोंक में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों और उनके जन्म स्थान, कोमल कोठारी का जन्म कपासन चित्तौड़ में हुआ दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत का मऊ सीकर में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि आपके ब्लू पोएट्री से संबंधित है। आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू नागौर में हुआ, ठीक है। जगजीत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? श्री गंगानगर में हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो कि गजल गायक है। आगे देखिए, पंडित झाबरमल शर्मा जो है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? जसरापुर में हुआ, ठीक है। स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूना गांव सीकर में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। पंडित झाबरमल शर्मा जो है ये पत्रकारिता से संबंधित है। शैतान सिंह जो है दोस्तों, इनको परमवीर चक्र दिया गया है, ठीक है, परमवीर चक्र दिया गया इनको, कब दिया गया था दोस्तों? 1963 में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे दोस्तों? तो वो आपके पीरू सिंह थे दोस्तों, पीरू सिंह जो थे, इनको पहला परमवीर चक्र दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 1952 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीरू सिंह का संबंध जो है दोस्तों, ये आपका झुंझुनू से है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों शैतान सिंह का संबंध जो है, ये आपका जोधपुर से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जगजीत सिंह जो हो जाएंगे, ये कलाकार है, गजल गायक, और गौरी बाई आपकी भक्ति से संबंधित है, ठीक है। और गौरी देवी जो हो जाएगी, वो आपकी जोधपुर से संबंधित है, बांड गायिका है, ठीक है। बाई अलग है और देवी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों, जो भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।